जो है उसके बारे में सोचना एक बात है, और उसको ज्यों का त्यों देखना, उसी क्षण में देखना, तो एक्चुअली जो अवलोकन का क्षण होता है जिसमें कोई समय नहीं है, तब क्या वॉट इज वैसा रह सकता है जो है? एक ये सवाल है। एक्चुअली जो है, जैसे हमारा कोई, हमारे अंदर कोई गहरा दुख है, पीड़ा है, किसी तरह की चिंता है, उसको जैसे ही हम गहराई से देखते हैं तो उसमें अपने आप ही एक ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है, एक रूपांतरण होने लगता है। देखना ही रूपांतरण है उसमें। फिर वॉट इज में वह शक्ति नहीं रह जाएगी। एक्चुअली जो है, जो कोई भी भ्रम हो सकता है, मैंने अपने बारे में एक कोई धारणा बना रखी है, वह भी वॉट इज है। तो वो शक्तिशाली कब होती है? जब उसको बारे में सजगता नहीं होती। एक्चुअली एक स्तर पर सजगता की शुरुआत होना भी उसके अंदर शक्ति की कमी करता जाएगा। अगर हम कहें, जब सीखने की शुरुआत होती है तो वो फिर जो वॉट इज है वैसा पावरफुल नहीं रह जाएगा। वो पावर इन अटेंशन में प्राप्त करता है, बेहोशी में प्राप्त करता है। तो जैसे जैसे मुझे लगता है उसको देखने की गहराई अगर बढ़ती है, कोई भी उसमें समय नहीं रह जाता है, कोई स्मृति नहीं रह जाती है, तो फिर वो वॉट इज भी क्या रह पाएगा? इसीलिए देखना, अगर वास्तव में पूर्ण रूप से देख लिया गया है, समग्र रूप से, कंप्लीटली, तो फिर वो वॉट इज उसका भी अंत हो जाता है। फिर वो वॉट इज अपने आप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यदि वह बना हुआ है तो उसका मतलब है कि उसको समग्र रूप से, डीपली, कंप्लीटली नहीं देखा गया है। ये इससे हम ये सीखते हैं। और ये भी साथ में कि इस बात का भी एहसास रखना कि हम कुछ कोशिश करके वॉट इज को खत्म नहीं कर सकते। यदि हमने देखा कि कोई हमारे भीतर दुख है, द्वंद है, कोई और भी कोई मानसिक गुत्थी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसको हम उसके साथ संघर्ष करके उसको खत्म नहीं कर सकते। ये वॉट इज है ये सब। क्योंकि जब हम संघर्ष करते हैं तो हम वॉट इज को और रियल बना देते हैं, उसको हम मान लेते हैं कि यह तो सच है, उसको ट्रुथ मान लेते हैं। जब एक बार मन ने उसको ट्रुथ मान लिया तो हम कुछ भी करेंगे तो उसको हम और मजबूत बना देंगे। पर यदि मन को, यदि ये देख लिया गया कि ये तो एक्चुअली, इसकी सच्चाई को देखना, झूठ की सच्चाई को देखना यही है, भ्रम की सच्चाई को देखना कि ये वास्तव में भ्रम, ये भ्रम है, यह है ही नहीं सिवाय हमारी कल्पनाओं में। तो एक्चुअली जो है नहीं उसको हम खत्म करने का प्रयास भी क्यों करते हैं? अगर ये दिखाई दे गया कि है ही नहीं, ये एक मायने में ये केवल हमारे विचारों में अपनी इसने अस्तित्व बनाया हुआ है, अतीत में, कल्पनाओं में, उसको देख लेना ही उसका अंत है। आपका ये सवाल है कि वॉट इज को देखने में यदि कोई भी मेजरमेंट, कोई भी आकलन आ रहा है तब हम वॉट इज को नहीं देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मेजरमेंट है, किसी तरह की माप तोल है, वह विचार की ही गतिविधि है, वह मेमोरी से ही आती है। एक्चुअली वही तो मैं है, मेजरमेंट ही तो मी है, ईगो है जिसे विचार ने पैदा किया है। तो जब भी हम विचार के थ्रू देख रहे हैं, यानी उस मेजरमेंट, उस दृष्टा के थ्रू देख रहे हैं, तो वो देखना नहीं हो रहा है, एक्चुअली वो रिएक्शन है, सोच विचार प्रतिक्रिया है, वह अवलोकन नहीं है, प्योर ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो प्योर ऑब्जर्वेशन में कोई भी आकलन नहीं है, मन की कोई गतिविधि नहीं है, मन बिल्कुल शांत है, तब क्या जो जो वॉट इज है, फिर कोई डिवीजन नहीं है। क्योंकि जो वॉट इज का जो अस्तित्व है, या कहिए कि भ्रम का जो अस्तित्व है, वह
मेजरमेंट के थ्रू ही तो है, वह विचार के द्वारा ही तो है। यदि ये स्पष्ट दिख जाता है तो भ्रम के स्तर पर जो वॉट इज है वह भी नहीं रहेगा। देखिए, वॉट इज के भी कई स्तर हैं। एक वॉट इज है हमारे अस्तित्व का, नेचर का, जैसे जो वृक्ष हैं, ट्रीज हैं, रिवर्स हैं, नेचर है, वो भी वॉट इज है, उसको विचार ने नहीं गढ़ा है। तो उसमें कोई प्रश्न नहीं उठता है। हाँ, ये कि अगर हम उसको किस तरह से देख रहे हैं, नेचर को, यदि हम नेचर को भी अपने विचारों के थ्रू देख रहे हैं कि नहीं, उसको हमें एक्सप्लॉइट करना है, उसको हमें किसी तरह उसका इस्तेमाल करना है, केवल उसका ख्याल नहीं रखना है, तब तो वहां भी हम मेजरमेंट ला रहे हैं, तो उस वॉट इज को हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। जहां भी विचार आता है ना, जो संकीर्ण, जो मनोवैज्ञानिक स्तर पर विचार आता है अपने स्वार्थ को लेकर, वहां पर विकृति आ जाती है। हम वॉट इज को करप्ट कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से मनोवैज्ञानिक तल पर जो वॉट इज है, विचार ने जो भ्रम बनाए हैं, जब विचार उसके साथ डील करता है तो वो उसको, और ऑलरेडी वह एक विकृति है ही, एक इल्यूजन है ही, उसको और कॉम्प्लिकेट कर देता है, और भ्रम खड़ा कर देता है, और सेल्फ डिसेप्शन खड़ा कर देता है। इसीलिए विचार अपने ही बनाए भ्रमों को खत्म नहीं कर सकता। ये बात समझनी है कि थॉट कैन नेवर एंड इटसेल्फ, कैन नेवर एंड इट्स ओन क्रिएशंस। ये जो भी कोशिश करेगा अपने ही बनाए चीजों को, बस वो देख ले कि भाई ये मेरा ही क्रिएशन है, और इसमें सिर्फ दुख ही है, इसमें सिर्फ डर ही है, इसमें कोई आनंद नहीं है, वास्तविक जॉय नहीं है, ये गहराई से देखना ही उस वॉट इज का, जो भ्रम के स्तर पर उसका अंत है। अगर ये हमें दिख जाए कि वास्तव में दुख की क्या हकीकत है, दुख क्या करता है हमारे जीवन में, ये दिख जाता है तो फिर वहीं से दुख की समाप्ति शुरू हो जाती है। ये एक्चुअली हम लोग इनसेंसिटिव हो गए हैं, संवेदनशील हो गए, हमें दुख दिखाई नहीं पड़ता है, हम दुख के बारे में बस सोचते हैं, दुखी हो जाते हैं थोड़ा बहुत, फिर थोड़ा सेल्फ पिटी आता है, एक आत्मदया का भाव आता है अपने प्रति और किसी के प्रति, पर दुख का अन्वेषण नहीं होता है। जो सौरव का जो एक्सप्लोरेशन है, यह कभी भी संभव है। ये जो संवेदनशीलता, जिस सेंसिटिविटी की बात हो रही है, इसकी जो पोटेंशियल है वो हम सबके अंदर है। ऐसा नहीं है कि चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, हम कितने भी डूबे हुए हों बेहोशी में, होश की संभावना हर क्षण है। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि दुख से निकलना संभव नहीं है। इसी क्षण से, जैसे ही आप गहराई से सुनते हैं, कोई भी आपको कह रहा है, बोल रहा है, आपको आमंत्रित कर रहा है कि देखिए यह जीवन नहीं है, जागिए, वो जो जागना है वो कभी भी आरंभ हो सकता है। और दुख के प्रति जागना, दुख भी हमें गहराई से जगा सकता है यदि हम उसे सुने, देखें। और कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं इसीलिए आमंत्रित कर रहे हैं कि आप देखिए, अपने दुख के स्वरूप को देखिए, उसके नेचर को देखिए, चीजों के जो भी है उसके वास्तविक स्वरूप को, उसके नेचर को देखना, यही तो ध्यान है, और यही गहरा अवलोकन है। तो हमें सवाल करना होगा कि क्यों हमारा मस्तिष्क मन दुख के आदि हो गया है। दुख का आदि भी हो जाता है, समस्याओं का आदि हो जाता है मस्तिष्क। आपने देखा होगा कि यदि कोई समस्या नहीं है, मन खाली है, तो मन को बेचैनी होने लगती है कि भैया अरे ये कैसा है, बड़ा खालीपन लग रहा है। तो विचार आता है और फिर कोई ना कोई समस्या ढूंढता है, क्योंकि समस्याओं के थ्रू ही विचार अपने को जिंदा रखता है।
उसको कोई ना कोई चैलेंज चाहिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम चाहिए, तो उसको हम देख लें कि इसमें कितना बड़ा एक अंतर विरोध है। हम क्यों नहीं कुछ ना हो, कुछ भी ना हो उसके प्रति क्यों उससे भागने लगते हैं, ना कुछ से, ना कुछ अपने आप में एक तथ्य हो सकता है, एक हकीकत हो सकता है। और अगर ना कुछ के साथ ठहरने के लिए कोई अगर रेजिस्टेंस ना हो, तो मुझे लगता है कि उसमें भी अपना एक आनंद है, कुछ ना होने में, उसमें तो असीम आनंद है, कुछ भी नहीं है। और फिर विचार को क्या आवश्यकता है कि वही कोई ना कोई समस्या ढूंढे, कोई ना कोई दुख ढूंढे। वो फिर अतीत में जाता है कि किसने मुझे हर्ट किया था, किसने मेरे साथ ये किया था, क्या हो सकता है, वो घूमता रहता है। उसकी व्यर्थता, उसके एब्सर्डिटी को देखना ही उसका अंत है। अगर हम इसका जो मन जो भी कर रहा है उसकी भयानक जो व्यर्थता है, उसका जो झूठापन है, उसको देख लेना ही मुझे लगता है उससे मुक्ति। और एक सबसे बड़ा डर जो होता है वो कुछ ना होने का है, कि मैं कुछ नहीं होऊंगा तो क्या होगा। यहीं पर मृत्यु का प्रश्न आ जाता है। तो जो ये मन है, विचार है, कुछ ना होने से भयभीत है। क्यों भयभीत है? यदि वो अपने रियल नेचर को देख ले कि वो वास्तव में कुछ है ही नहीं, तो फिर वो गलत कहाँ रह जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ रह जाएगा? और ये जो मृत्यु का भय है, क्या ये विचार पैदा नहीं करता है? क्योंकि जब मृत्यु का जो तथ्य, जब घटना आएगी, तो उस समय तो विचार कुछ नहीं कर सकता है। पर उससे पहले मृत्यु नहीं आई है, विचार सोच ही जा रहा है कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कुछ ना हो जाए। तो ये जो विचार है, यही तो फियर को पैदा करता है। और जब वास्तविक जो तथ्य है, जब घटना सामने आती है, जब कोई कहीं विचार कहीं स्केप नहीं कर सकता है, तब डर कहां रहता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि क्या हम मनोवैज्ञानिक रूप से मृत्यु के साथ जी सकते हैं हर रोज? क्या हम जो कुछ भी हमने अंदर एक्यूमुलेट किया हुआ है, सारा दुख एक्यूमुलेशन का ही तो है। हमने जो भी अपने हर्ट्स, प्लेजर्स, हमारे रिजेंटमेंट्स, रोष, जिसे हम नाकामयाबी कहते हैं, जिसे हम पूरा नहीं कर पाए, सारा जो भी बंडल है, ये सब विचारों ने तो रचा हुआ है। वो उसी को जीवन मान लिया है, उसी के साथ हमने गहराई से आइडेंटिफाई कर लिया है। क्या उसके प्रति हम हर क्षण, हर दिन मर सकते हैं? तो मृत्यु के साथ जिए बिना हम वास्तव में नहीं जी सकते। लिविंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट डाइंग, डाइंग इनवर्डली, साइकोलॉजिकली, ईच डे, ईच मोमेंट, टू वॉट एवर वी हैव एक्यूमुलेटेड, वॉट एवर थॉट हैज एक्यूमुलेटेड, हैज क्रिएटेड। और ये जो मरना है, ये क्या है? फिजिकल डेथ की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, मानसिक रूप से जो कुछ भी अंदर इकट्ठा है, तो उसको देख लेना, इस पूरी गठरी को, मैं की गठरी को, विचार की गठरी को देख लेना ही मृत्यु है।
क्यों करते हो? तब फिर हम हर दिन तरोताजा हैं, हर दिन नया है, हम फिर समय में नहीं जी रहे हैं। एक स्तर पर समय की आवश्यकता है, उसको हम मना नहीं कर रहे हैं। विचार की आवश्यकता है, प्लानिंग की आवश्यकता है कि मैं कल क्या करूंगा या एक साल बाद कुछ और, पर हम उसके बारे में ऑब्सेस नहीं है। मानसिक तल पर, मनोवैज्ञानिक तल पर हम किले नहीं बना रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, एक प्लानिंग है, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं होता नहीं होता। एक सहजता है, एक लेटिंग गो है। तो इस मृत्यु के साथ जीना हर रोज, ये अपने को पुनर्जीवित करना है, रीजनरेशन है, लिविंग एंड डाइंग टुगेदर। और ये एक इसमें अथाह दुख है जब हम एक अपनी जो विथॉट ने एक जो इमेज बनाई है उसी को सच मानकर हम जीने लगते हैं, उसी को हम मानने लगते हैं, यही मैं हूं, वही जीवन है। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो जो इमेज है वही अपने को लाइफ मानने लगती है कि यही मैं सब कुछ हूं, उसी का दुख, उसी का सुख, उसी का कुछ बनना बिगड़ना, इसी सब पूरी कहानी में लगा रहता है वो जो जो विचार है उस इमेज के लेवल पर। और यही विचार जब थक जाता है जो इमेज है, तो फिर ये भी सोचने लगता है काश मैं खत्म हो जाता। तो इसीलिए जो ये जो आत्महत्या का विचार है ये क्यों आता है, ये जो मैंने एक विचार के साथ जो एक छवि बना ली है उसके साथ आइडेंटिफाई कर लिया है, तो ये जो छवि है, ये जो विचार है, वही फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि नहीं, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, या मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, यह जीवन तो व्यर्थ है। ये सारा कुछ जो भी भाष्य है, कमेंट्री है, वो इमेज ही कर रहा है, क्योंकि हमने थॉट को ही जीवन मान लिया है, उस कैद को ही जीवन मान लिया है, तो उसमें तो फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन होगा ही ना। फिर वो इमेज अपने को ही खत्म करने की कोशिश करती है। एक्चुअली एक जो स्वस्थ स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, मन, वो कभी अपने को खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा। जब हम इमेज के लेवल पे जीते हैं, इमेज कोई इमेज ही अपने को सब कुछ मान लेती है, फिर वो अपने को खत्म करने की कोशिश करती है। तो ये बड़ी त्रासदी है कि यदि इसको देख लिया जाए, यदि व्यक्ति जाग जाए कि भैया इमेज के लेवल पर जिंदगी नहीं है, विचार के लेवल पर बहुत ही संकीर्ण जीवन है, इससे बाहर निकलिए, देखिए आसमान है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा अस्तित्व है, और मैंने अपने को क्या माना हुआ है। इसीलिए स्वयं को जानना, जो आत्मबोध है, स्वबोध है, अपने को वास्तव में जानना, यदि हमने केवल अपने को विचार और छवि जाना हुआ है, माना हुआ है, तो फिर तो विचार और छवि जिएगी अपने सारे संघर्षों के साथ, दुखों के साथ, डरों के साथ। इसको बस देख लेना, इसके प्रति संपूर्ण अवधान का होना ही इसका अंत है, और वही प्रेम की शुरुआत है, वही सौंदर्य की शुरुआत है, मुझे ऐसा लगता है। और फिर वही मृत्यु के साथ जीना है, हर रोज इंतजार नहीं करना है, हर चीज को खाली करते जाना है, लेटिंग गो।